सर्वांनी एकत्र येऊन केले तर कोऑपरेटिव्ह चळवळ पुढे चालू राहील असे प्रतिपादन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी कामोठे येथे अरिहंत बँकेच्या उद्घाटनावेळी केलं. खातेदारांचा विश्वासावर सार्थ ठरलेल्या श्री अरिहंत कोऑपरेटिव्ह बँकेची शाखा कामोठे येथे सुरू झाली आहे. अरिहंत बँकेची ही 11वी शाखा असून या शाखेचे भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते रविवारी उद्घाटन झाले. कामोठे येथे सुरू झालेल्या श्री अरिहंत कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या 11व्या शाखेचा उद्घाटनावेळी पनवेल महापालिकेचे माजी नगरसेवक डॉक्टर अरुणकुमार भगत, भाजपचे कामोठे शहर अध्यक्ष रवींद्र जोशी, विकास घरत, हॅप्पी सिंग, भाजप भटके विमुक्त आघाडीच्या महिला जिल्हाध्यक्षा विद्या तामखेडे, भूमिराज ग्रुपचे भूपेंद्र शहा, भीमेश मेहता, राजन सिंग, विश्वनाथ झिंजाद, रोहित कुमार, मोहन निकम, दिनेश पटेल, मुकेश वर्मा, सुनील पाटील, भरत उटेकर, बँकेचे चेअरमन हिराचंद दांड, व्हॉइस चेअरमन मुकेश मायशेरी, गुलाब शहा, सीईओ अशोक सावलकर, ब्रँच मॅनेजर संदीप खारमाले यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित होते. आज इस कार्यक्रम में आते वक्त देरी हुई और भाषण के लिए उठ रहा था उस वक्त भूपेश भाई ने बताया कि एक तो कोऑपरेटिव बैंक ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर से काफ़ी सारे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय तक ये होता रहा कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, कोऑपरेशन से खड़ी हुई ये सारी संस्था है, इनके जो कानून हैं ये कानून कुछ इस तरीके से थे कि जिसकी वजह से एक बार किसी के हाथ में कंट्रोल चला गया तो वही सब कुछ है, और ऊपर वाले सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ के लिए भी वही सब कुछ है. तो उसके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स का से और मेंबर्स का पार्टिसिपेशन जब लिमिटेड हो जाता है तो कोऑपरेटिव सेक्टर अपने आप में लिमिटेड बन जाता है. अब इसको तोड़ने की और तोड़ते हुए कोऑपरेटिव मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश कई बार इस देश में हुई है. हम अमूल जैसी इंडस्ट्री को पहचानते हैं सारे लोग, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री से खड़ी हुई. पर अब जब अमूल की बात हम करेंगे तो वर्गीस कुरियन जी है उनका नाम हमारे सामने आ जाएगा, एक आदमी जिन्होंने अच्छा कंट्रोल किया हम उनको जानते हैं, पर मूवमेंट तो कोऑपरेटिव है. तो ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट को अगर आगे बढ़ाना है तो सबका पार्टिसिपेशन चाहिए. आज जिनके हाथ में कंट्रोल है उन्होंने सबको साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है. देश आज 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिन मना रहा है. हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, और उन्होंने अभी उसमें जोड़ा है कि सबका प्रयास. तो सबका प्रयास जब होगा तो कोऑपरेटिव मूवमेंट आगे बढ़ेगी. मुझे खुशी है कि अरिहंत बैंक आज कामोठा में अपनी ब्रांच का इनॉग्रेशन कर रहा है, और ये 11वीं ब्रांच का जब इनॉग्रेशन कामोठा में हो रहा है तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को धन्यवाद देना चाहता हूँ.